आज है 3 सितंबर 2022। ये ताज़ा स्थिति आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। राप्ती नदी का जो जल स्तर है बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई खतरे की संकेत नहीं है कि जलस्तर और बढ़ सकता है। लेकिन आगे अगर ऐसे ही बरसात होता रहा या फिर कहीं बाहरी पहाड़ियों से पानी छोड़ दिया गया तो ये वृद्धि और हो सकती है। वेलकम टू आवर चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश। और अभी हम खड़े हैं इस गोरखपुर के राप्ती नदी के ओवरब्रिज पर। ये रास्ता आपका गोरखपुर शहर की तरफ जाता है और ये आपका संत कबीर नगर बस्ती होती है लखनऊ की तरफ निकल जाता है। और यहाँ का राप्ती नदी का मुख्य द्वार आज है 3 सितंबर 2022। ये ताज़ा स्थिति आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। राप्ती नदी का जो जल स्तर है बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई खतरे की संकेत नहीं है कि जल स्तर और बढ़ सकता है। लेकिन आगे अगर ऐसे ही बरसात होता रहा या फिर कहीं बाहरी पहाड़ियों से पानी छोड़ दिया गया तो ये वृद्धि और हो सकती है। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि राप्ती नदी गोरखपुर का जल स्तर स्थिर है, लेकिन अभी 2-4 दिन से बारिश होने के कारण इस नदी का जल स्तर में वृद्धि हुआ है। पहाड़ों पे भी बारिश हो रही है, उसके कारण भी वृद्धि हुआ है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो ओवरब्रिज राप्ती नदी गोरखपुर का जो ओवरब्रिज है उसका पिलर खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है और बहाव भी आप देख सकते हैं, बहाव कितनी तेज़ी से बहाव है। रफ्तार काफ़ी तेज़ है, लेकिन अभी ऐसा कोई आशंका नहीं है, बाढ़ की आशंका नहीं है कि जैसे लास्ट ईयर पिछले साल जो बाढ़ आया था, क्योंकि इस बार जो है शासन बिल्कुल ही कमर कसा हुआ है कि ऐसा कोई आकस्मिक घटना होती है या फिर बाढ़ आती है तो तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। तो हमारे पास कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, वो बताएँगे कि अभी क्या माहौल है। क्या हम समूसानी बोल रहे हैं? और यहाँ पे कम से कम 9 फीट पानी बढ़ चुका है और 3 दिन के अंदर, कल 9 तीसरे दिन हम जिस तरह नहाने गए थे तो देखे थे तो उस हिसाब से पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो हम कह रहे हैं हो सकता है बाढ़ आ जाए। आज भी बारिश हुई है, बाकी उधर भी बारिश हुई थी, इसके लिए हमको महसूस हो रहा है कहीं बाढ़ का संभावना है। और ठंडा पानी भी है राप्ती का। तो अभी ये बताइए, जो ये बाढ़, ये जो पानी है बारिश का पानी है कि नहीं पानी कुछ है? महसूस हो रहा है नेपाल वाला भी पानी छोड़ा हुआ है जी। हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए ठंडा पानी का महसूसपन उधर ही से आता है। हमको तो महसूस हो रहा था कि बाढ़ का पानी बरसात से कोई ताल्लुक उतना है नहीं, हमको महसूस हो रहा है कुछ उधर का पानी आया है, इसीलिए पानी का महसूस हो रहा है कि हमको बढ़ंती से कि हाँ उधर का पानी नहीं रहता तो इतनी बाढ़ आती नहीं। गढ़ई गुड़ा सब भरा हुआ है, अब आज नहीं कल 2-3 दिन के अंदर हो सकता है हमारे गांव के अंदर भी पानी हो जाए। अच्छा, एक सवाल और, जैसे आप लोग तो स्थानीय नागरिक है, पिछले साल जो स्थिति थी पानी कम था उसके बाद फिर अचानक बढ़ा है, क्या वही स्थिति
तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, ये समय तो बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे पहले बाढ़ जो आती थी है तो धीमे धीमे पूरा हो जाती थी, अब इस समय जो सब औरंता में अब मालूम दे रहा है कि अब नहीं, अब आ ही जाएगी। तो अभी जो है स्थिति पानी का आपको देखते क्या? 3 दिन में लगभग 9 फीट पानी बढ़ा है, इसके ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर अगर बढ़ेगा कम से कम 6 फीट और बढ़ जाएगा तो हम लोगों का गांव भी कुछ पानी में हो जाएगा। बहरामपुर, बहरामपुर बंधा जो है पूरा बना हुआ नहीं है, अभी इस घेरे के अंदर है हम लोग। इसके लिए हम लोग नाव भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पानी के अंदर हो जाते हैं, बच्चे अपने परेशान हो जाते हैं, कभी दवा के लिए जाना है या क्रियाकर्म के लिए जाना है, लेटरिन बाथरूम की जगह नहीं है तो कैसे जाएंगे? चलिए ठीक है, इस पर ना करें कि पिछले साल बारी ऐसी कोई 98 वाले में तो हम खुद 98 वाले के बाद में जो एक बाढ़ आई थी वो उसके बाद हम खुद ही डूब गए होते। बच्चों को तबीयत खराब हो गया था, सुन के आ गए आए तो सुबह में जब आए तो इतना पानी था और उसके बाद हम कपड़ा लेके जा रहे थे तो उसके बाद पता चला इतना पानी हो गया, हम खुद उसमें अपना गए थे तो कपड़ा वपड़ा सब फेंक के मोबाइल वाइल सब फेंक उक के हम अपन सूखे में निकल गए, बगल में ईंटा सरिया हुआ था। फिलहाल जो ये नदी का पानी है अभी घाट पर नहीं चढ़ा है, इसीलिए अभी कोई ऐसा आशंका नहीं जताया जा सकता है कि बाढ़ आ सकती है, लेकिन लगातार बारिश होने से राप्ती नदी गोरखपुर के नदी में वृद्धि देखने को मिली है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये पिलर आपको दिख रहा है, पानी से ढक चुका है, पानी इसके ऊपर चढ़ चुका है और इस पानी की रफ्तार भी आप देख सकते हैं, जलधारा भी तेज है। अब जैसे स्थानीय नागरिक बता रहे हैं कि ये बरसात के पानी के साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ से भी पानी आ रही है। अभी ऐसा कहा जा रहा है, हो नहीं सकता है, अभी लगभग सभी सुरक्षित है क्योंकि इस बार शासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सारी व्यवस्था कर लिया है कि पिछले साल के अपेक्षा कुछ ऐसा नुकसान ना हो।